नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के तिकने इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, एक स्थानीय शख्स भी इसमें घायल हुआ है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अमित शाह ने आज किसान नेताओं को एक प्रस्ताव देने की बात कही है। किसान प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए सिंधु बॉर्डर पर बैठक करेंगे। भारत बंद के बाद किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई घंटे तक चली बैठक में किसानों की मांग पर बात हुई और मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। हालांकि सरकार का मानना है कि वो कानून में संशोधन करने पर विचार कर सकती है। आरबीआई ने महाराष्ट्र की कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, यानी कि अब यह बैंक बंद हो जाएगी। इससे पहले आरबीआई ने नवंबर 2017 में बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात बुधवार यानी आज शाम 5 बजे होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी इस प्रतिमंडल में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी कि सीएसडी को 422 आइटम को लिस्ट दी गई है, जिसमें उन्हें बैन करने को कहा गया है। 422 में से करीब 230 आइटम चीन के हैं, जबकि 16 आइटम ऐसे हैं जो चीन के अलावा दूसरे देशों से भी आते हैं, लेकिन इन सब पर रोक लगाई जाएगी। कुतुब मीनार की मस्जिद पर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई है। लग्जमबर्ग की मेडिकल सिस्टम कंपनी भारत में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी का निर्माण करेगी। कंपनी के सीईओ एल प्रोवोस्ट ने कहा कि देश में अगले साल मार्च महीने तक कोल्ड स्टोरेज केंद्र स्थापित कर लिए जाएंगे। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने बताया कि 8 दिसंबर के सीबीआई में मध्य प्रदेश में व्यापम की ओर से आयोजित पूर्व चिकित्सा परीक्षा 2009 और परिवहन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 से संबंधित मामलों में 2 अलग अलग पूरक आरोप पत्र दायर किए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने साफ किया है कि सिर्फ बैटिंग करने के लिए पांड्या को टेस्ट में नहीं उतारा जाएगा, नियमित रूप से गेंदबाजी भी उन्हें करनी होगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।